हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सीएससी आईडी से कैसे आप डिजीपे लाइट की आईडी ले सकते हो। जैसे कि आप सबको पता है कि डिजीपे लाइट से आप किसी भी बैंक की किसी भी कस्टमर की आप किसी भी बैंक से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, उसका बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आपकी किसी भी बैंक पे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जितने भी आपको पता है सेम एक बैंक की तरह ही है जो आपको दिया जाएगा सीएससी की तरफ से, आपकी सीएससी डिजिटल लाइट की आईडी, जिससे आप बैंक के सारे काम कर सकते हो। किसी भी बैंक की आप विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी बैंक की आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और किसी भी बैंक के आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो इस सर्विस पे जैसे कि आप सबको पता है कि अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है, तो आपको आईडी कहाँ से मिलेगा और कैसे आप आईडी को क्रिएट करोगे, तो आज आपके पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे आप वीडियो को देखते रहिए, तो आपको मैं ले चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिजिपे लाइट के लिए आप देख सकते हो, डिजिपे लाइट की लॉग इन यहाँ पे आपको गूगल पर सर्च कर दो एजेंट डॉट पे सीएससी डॉट इन, तो इस पर लॉग इन पेज आपके ऐसे ओपन होकर आ जाता है। तो ओपन होने के बाद जैसे आप सबको पता है कि अपना जो डीजीपे है, डीजीपे के लिए हमें अलग से आईडी लेने की ज़रूरत नहीं होता, वो डायरेक्टली हम सबको मिल जाता है। डीजीपे पे आप कोई भी अपने यूज़र आपकी जो सीएससी आईडी है उसे डाल के आप आराम से लॉग इन कर सकते हो। पर डीजीपे लाइट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आपको आपको डीजीपे लाइट का आपको आईडी मिलता है और पासवर्ड मिलता है आपकी ईमेल के थ्रू या तो मोबाइल नंबर के थ्रू। उसके बाद ही आपको उसे लॉग इन करना होता है, करने के बाद आपको केवाईसी करना होता है। तो आपको कैसे मिलेगा डिजिपे लाइट आईडी, या तो आपको आने के बाद कैसे आपको शो कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू या तो मैसेज के थ्रू, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो वेलकम टू सीएससी डिजिपे फैमिली। फैमिली जैसे आपके क्लियर हो जाएगा, होने के बाद आपको ऐसे वेलकम मैसेज आ जाएगा। आने के बाद आपकी डिजिपे लाइट की आपकी आईडी दे दिया जाएगा। हाई लिख के देख सकते हो, डिजिपे आईडी दे दिया। देने के बाद आप लिखा हुआ योर यूज़र अकाउंट हैज़ बिन क्रिएट विथ फॉलोइंग, आप नीचे के देख सकते हो आपकी जो यूज़र आईडी दे दिया जाएगा, आपके नीचे आपकी पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो जब आपकी ऐसे मैसेज आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी आ जाए, ईमेल आईडी पे मेल आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उसी सेम साइट पे आ जाना है। आने के बाद आप उसे लॉग इन करना है। अगर आपने लॉग इन किया है, आपके पास अगर पासवर्ड नहीं पता, ठीक है, तो आप यहाँ से फॉरगेट करके आप अपना जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी को आप यहाँ पर डाल के सेंड ओटीपी क्लिक करके वेरीफाई करके आपको जैसे आप सबमिट करोगे, आपकी मोबाइल नंबर पे आपकी आईडी के साथ आपकी जो पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड आपकी रिसीव हो जाएगा। आप देख सकते हो नीचे भी सेम ही लिखा है, पुट योर लॉग इन आई डी एंड वेरीफाई ओ टी पी, देन यू विल रिसीव ए न्यू पासपोर्ट इन योर इनबॉक्स। ठीक है, तो आपकी जैसे वेरीफाई करोगे ओ टी पी के थ्रू, आपकी इनबॉक्स में आपकी एक न्यू पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। तो अगर आप जैसे मुझे मिला हुआ है, ठीक है, तो मैं लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप देख, यहाँ पे मैं एक बार आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको अगर मिल जाता है आईडी, मिलने के बाद आप कहाँ से आपकी आईडी क्रिएट होगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो मैं एक बार लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं लॉग इन कर लेता हूँ आईडी पासवर्ड डाल के, आप देख सकते हो जैसे मैं ये लॉग इन के इस पर किया, तो उसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, तो उसी ओटीपी के थ्रू ही आपकी ये लॉग इन हो पाएगा। तो मैं इस पर अपना ओटीपी को डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपके ऐसे साइड आपको पॉपअप होके आ जाएगा, आप देख सकते हो आपके सामने ऐसे पॉपअप होके आ जाएगा। आने के बाद आपकी अगर फर्स्ट टाइम आप अपने ओपन कर रहे हो इसे, आप इसे लॉग इन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो आपको इसे केवाईसी करना होता है। आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी केवाईसी है, अप्रूव किया सी अप्रूव देख रहा हूँ साइट पे ही है। अब मैं इसमें से सारे काम कर सकता हूँ, आप देख सकते हो पैसा ट्रांसफ़र की, एपीएसएफ की, जो आधार सिस्टम से पैसे निकलना, ठीक है, ये सारे काम मैं इसके थ्रू अभी कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो आपको इसे, अगर आपको आईडी चाहिए सीएससी से, अगर आपको डीजीपी लाइट की आपको आईडी चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने डीएम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। डीएम के थ्रू एक गूगल फॉर्म दिया जाता है, तो गूगल फॉर्म अगर चाहो तो मैं आपके जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मैं गूगल फॉर्म की पिन भी कर दूंगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली आप लॉग इन करके सबमिट करके गूगल फॉर्म को आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपके अपना डीएम से भी बात करना चाहते हो तो अपना डीएम से बात कर लेना, डीएम के थ्रू भी आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा। आपको उस आईडी से आपको सेम आपकी कुछ सवाल पूछा जाएगा, जैसे आपकी सीएससी आईडी, आपकी मतलब क्या क्या आपके शॉप नेम वगैरह सब कुछ मांगते हैं। मांगने के बाद आपको दो चार आपको आंसर करना पड़ता है, उसके फॉर्म सबमिट करने की आपकी मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। आने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, आपकी ईमेल के थ्रू भी ऐसे ही एक ईमेल के थ्रू एक ईमेल आ जाएगा, जैसे कि आपकी देख सकते हो वेलकम टू सीएससी डीजीपे
फैमिली, ठीक है, आपको ऐसे ईमेल भी आ जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपके जो गूगल फॉर्म होगा वो मैं सबमिट कर दूंगा। आप अगर फ़ोन के थ्रू अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो पे, ठीक है। तो आपको अगर डिजिपे लाइट का अगर आईडी चाहिए तो आराम से आप अपना गूगल फॉर्म सबमिट करके, आप अपना गूगल फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको आराम से अपना CSC लाइट आईडी आराम से आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको किस अपने DM ने अगर नहीं दिया, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उन्होंने अगर नहीं दिया, तो आपको उनसे बात कर ले, नहीं तो मैं आप जो डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अपना लिंक को ओपन करके आराम से आप अपना DGPay लाइट की आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। करने के बाद अपने जो DM होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, उनसे एक बार बात कर लेना। ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं, तब भी आप अपना बात करना चाहते हो तो बात कर लेना। आपके ईमेल के थ्रू और आपके मैसेज के थ्रू आपकी DGPay लाइट की आपकी आईडी मिल जाए। आईडी मिलने के बाद आपने बैंकिंग की जितनी भी सर्विस है, सारे सर्विसेज आपकी जो डिजिटल लाइट की, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपको KYC करना है। KYC करने के बाद आप सारे सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसे आराम से चला सकते हो। तो आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।